उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदार मंदिर का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक संजीव झा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर के निर्माण से सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से भी है। बुराड़ी की पावन धरती में उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनाथ जी का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि इस मंदिर से शिव भक्तों और सनातन संस्कृति की आस्था को बल मिलेगा। ये मंदिर श्रद्धा को जीवन, मानव को महादेव, समाज को अध्यात्म और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कालखंड भारत की सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का कालखंड है। आज विदेशों से आने वाले मेहमानों का स्वागत श्रीमद् भागवत गीता भेंट करके होता है। इस बार योग दिवस का आयोजन आदि कैलाश में किया गया था, जिसका उद्देश्य केदारनाथ धाम, आदि कैलाश जैसे हमारे राज्य के पवित्र स्थलों को जन जन तक पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण विश्व ने योग को स्वीकार किया है। हमारे चार धाम के अंदर आने वाले जितने भी हमारे देव स्थान है, हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के अतिरिक्त भी अन्य स्थानों को आज हम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे कि चार धामों पर आने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष ये संख्या लगभग 56 लाख और इस बार 50 दिनों में 30 लाख से ज्यादा की संख्या का आंकड़ा पूरा हो गया है। भाई बहनों, क्योंकि जो हमारे धाम है उनका अपनी एक गेयरिंग कैपेसिटी है, एक धारण क्षमता है, इसलिए हमने आगे के लिए जो हमने प्लान किया है उस प्लान में लिखा है कि धामों के आसपास अच्छे स्थानों का डेवलपमेंट किया जाए, उनको विकसित किया जाए, उनको धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पर्यटन की दृष्टि से हम उस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। ये मंदिर जैसा बाबा केदारनाथ का उत्तराखंड में धाम है, वैसे ही धाम दिल्ली में बनने जा रहा है। ये करीब 3 एकड़ जगह है जिसमें धाम बनने जा रहा है। 2.5 से लेकर 3 साल के अंदर ये धाम इनका तैयार हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड उसका धामी जी और कंचनगिरी जी महाराज जी और श्री श्री 1008 कैलासानंद जी ने आज भूमि पूजन किया और अपने हमें आशीर्वाद दिया, सभी बुराड़ी की जनता को आशीर्वाद दिया और सब लोगों ने मिलकर, जो ट्रस्ट के लोग हैं, सब लोग मिलकर इस मंदिर को बना रहे हैं और ये मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा है। इसमें चारों धाम उत्तराखंड के और 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे बनने जा रहे हैं, जो कि एक अपने आप में विश्व स्तरीय होगा और अपने आप में एक बहुत ज्यादा स्मरणीय होगा। अभी भी 2 महीने के अंदर 30 से लेकर 35 लाख लोग जा चुके हैं और वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो बहुत कठिनाइयों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है और बड़े बुजुर्ग वहाँ नहीं जा पाते हैं, छोटे बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो एक संकल्प लिया कि जो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं वो लोग यहाँ से इजीली दर्शन कर पाए और सेम आशीर्वाद बाबा खुद विराजमान यहाँ पर हुए हैं। हम करने वाले कोई नहीं है, ये बाबा का खुद का एक हमारे पर आशीर्वाद है। हम तो निमित्त मात्र हैं जो ये करने वाले हैं, बाकी बाबा के आशीर्वाद से बाबा खुद यहाँ विराजमान होने वाले हैं और उनका ही आशीर्वाद से मंदिर। ये मंदिर करीब करीब 2.5 से लेकर 3 साल तक बनकर तैयार हो जाएगा और जो लागत है आर्किटेक्ट के अनुसार 14 से 15 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं और इजीली बन जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई दूसरा पुण्य का काम हो नहीं सकता, क्योंकि बाबा केदारनाथ धाम जाने बुजुर्गों की बड़ी परेशानी होती थी। तो आज जिस तरह से भूमि पूजन हो रहा है और जिस तरह का आयोजन हो रहा है और जितना विशाल भव्य मंदिर बनने की तैयारी हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सभी बुजुर्ग जो पहले केदारनाथ धाम नहीं जा पाते थे वो यहाँ दर्शन कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सुरेंद्र रौतेला जी की टीम को मैं ढेर सारा साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। मैं ये मानता हूँ चूंकि मंदिर का निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये ईश्वर की ही महिमा है, तो सबका सहयोग इसमें रहेगा और बहुत जल्द भव्य निर्माण बनकर तैयार होगा।